हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा ने आईजी गोरखपुर जयनारायण सिंह से इसी मामले पर खास बातचीत की। फैसला आने वाला है, यह इसी हफ्ते आएगा, 17 के पहले आएगा। अब पूरा प्रशासन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अलर्ट पर है। हम जानेंगे आज, हमारे साथ गोरखपुर के आईजी जोन जयनारायण सिंह जी मौजूद है देवरिया में, जो समीक्षा बैठक कर रहे तहसील दिवस में आए हुए हैं। हम जानेंगे कि जोन में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से इसमें निपटा जाएगा, जबकि यह फैसला आएगा और दोनों समुदाय के साथ शांति व्यवस्था कायम रह सकेगी। तो हम आइए बात करते हैं आईजी साहब से। जी सर, देखिए पूरे रेंज में सभी जनपदों में मीटिंग हम और आयुक्त गोरखपुर मंडल जाते हैं। सभी जनपदों में थाना अध्यक्षों से लेकर के जितने राजपत्रित अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं और जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, सबकी जो है बैठक करके और जो आगे अयोध्या के क्रम में जाते हैं, जो निर्णय आने वाला आ जाते हैं, उस संदर्भ में जो तैयारियां हैं, विशेष रूप से जाते हैं पुलिस और प्रशासन की जो तैयारियाँ हैं, उसकी समीक्षा करने आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इसमें विशेष रूप से हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं और हमारे अधिकारी हैं, जब ये निर्णय आता है उसके क्रम में अगले 72 घंटे जो मेन हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाते हैं, किन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जानी हैं, उस पर जो ग्रामीण अंचल हैं उनके जो हमारे बाज़ार हैं वहाँ पर भी जाते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और सभी जगह पहले से ही जाते हैं हमारे पुलिसकर्मी, होमगार्ड, इसके अलावा सिविल डिफेंस के साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और SPO जो बनाए गए जाते हैं, सबके सहयोग से हम ये निर्णय के बाद पूरे जनपद में शांतिपूर्वक जाते हैं पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर रहे हैं और इसी क्रम में जाते हैं आज सभी थाना अध्यक्षों की भी बैठक आयोजित की जा रही है। ये थे यहाँ गोरखपुर जोन के IG जयनारायण सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सीधे तौर पे हमारे यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरे जोन में ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे, कस्बों की सुरक्षा होगी और धार्मिक स्थलों पर भी हम पूरी तरह से शांति व्यवस्था रखेंगे, उन्माद नहीं फैलने देंगे, अराजक तत्वों पर नजर रहेगी। इसके लिए हम देवरिया में सारे थानेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे। देवरिया से विशाल मिश्रा, R9 TV।